हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ गोशवा। गोशवा स्थित एक बैंगलो है जिसका नाम है बेकोन बैंगलो, और वो बैंगलो आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज उस बैंगलो को पूरा आपको दिखाऊँगा और वो बैंगलो कब बना, किस लिए बना, किसके लिए बना, सारी डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर हम लोग लोकेशन पर जाकर दोबारा आपसे मिलते हैं। दोस्तों, दयापुर फेरी घाट पहुंच चुके हैं। अब यहां से फेरी पकड़ के दूसरे साइड जाएंगे। दोस्तों, फेरी घाट का व्यू आप देख सकते हो, कितना ही प्यारा नज़ारा है। ये दयापुर फेरी घाट का पूरा व्यू है। ये मामा बाइक अभी बोट पे चढ़ा रहे हैं। लो, सफर शुरू हो गया दोस्तों। अभी हम लोग बोट में हैं और इस बोट से दूसरे साइड जाएंगे। दूसरे साइड जो घाट है वो है पाखीराला फेरी घाट। तो पाखीराला फेरी घाट उतरना है हम लोगों को। ये बांग्लादेश का कार्गो शिप है जो कि ढाका से भारत में आया है। बोट पाखीराला घाट पहुंचने वाली है। बस ये सामने जो आपको दिख रहा है ये पाखीराला घाट है। अभी बोट पाखीराला घाट पर लगने वाली है, उसके बाद हम लोग यहाँ से गोशवा के लिए निकलेंगे। ये जो आपको गाड़ियाँ दिख रही है ये यहाँ की स्पेशल गाड़ी है। ये यहाँ की ऑटो है जो कि यहाँ से गोशवा ले जाती है। जिनको यहाँ से गोशवा जाना होगा तो उनको यहाँ से ये ऑटो करने पड़ेंगे। अब हम लोग गोशवा के लिए निकल गए हैं। और पाखीराला से जो गोशवा की दूरी है वो करीब 7 किलोमीटर है। यहाँ से 7 किलोमीटर का रास्ता तय करके हम गोशवा पहुँच जाएंगे। और आसपास का आप व्यू देख सकते हो, नज़ारा देख सकते हो, कितना ही प्यारा नज़ारा है यहाँ का। यहाँ का जो नज़ारा है दिल को रियली छू जाता है। तो गोशवा पहुँच के फिर मिलते हैं। दोस्तों, हम लोग गोशवा पहुंच चुके हैं। ये गोशवा का ऑटो स्टैंड है। यहाँ से आपको गोशवा से कहीं भी जाना हो वहाँ का ऑटो मिल जाएगा। हम लोग गोशवा के मेन मार्केट में घुस चुके हैं। और आप लोगों को दिख रहा होगा कि अभी मार्केट पूरी तरह खुला नहीं है, क्योंकि मार्केट जो खुलने का टाइम होता है वो 9:30 से 10 बजे तक मार्केट खुलता है। तो अभी तक मार्केट खुला नहीं है। हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे। अभी हम लोग यहाँ पर गाड़ी पार्क करेंगे, फिर अपने लोकेशन पर जाएंगे, जिस लोकेशन पे हम लोग आए हैं। तो और वीडियो में बने रहिए।
वीडियो में आगे बहुत मजा आने वाला है। अभी तो हमारा जो सफर है शुरू हुआ है। ये गोसवा का फेरी घाट है। यहाँ का व्यू भी रियली बहुत ही ऑसम है। और इस जगह की जो विशेषता है, यहाँ पे चार नदियाँ एक साथ मिलती है। ये देखो दोस्तों, मोबाइल बोट डिस्पेंसरी, कभी आप लोगों ने देखा है? मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है। ये जो आप बेंगलो देख रहे हैं, ये सर हैमिल्टन जी का बेंगलो है। हैमिल्टन सर वो थे जिन्होंने सुंदरबन की स्थापना की थी। और इस बेंगलो के ऊपर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों अभी हम लोग बेंगलोर के अंदर आ चुके हैं, और अंदर तो आ नहीं जा नहीं सकते, सिर्फ बालकोनी में घूम सकते हैं, क्योंकि सारे दरवाजे अभी बंद कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, अंदर जाना अलाउ नहीं है। फिर भी जो बिल्डिंग है, जो ये बेंगलोर बना हुआ है, उस बेंगलोर की एक खासियत है कि ये 1930 में बना था, तब से लेके आज तक जैसा था वैसा ही है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। और अभी तक ये बेंगलोर एज इट इज़ टिका हुआ है। और जो बेंगलोर बना हुआ है उसके आसपास का व्यू भी बहुत ही प्यारा है। और वीडियो में बने रहिए, इस तरह की और भी नई नई चीज़ें आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ मैं। ये उस टाइम का हैमिल्टन सर जी का ऑफिस था, और आज यहाँ पे स्टेट बैंक खुला हुआ है, और ये बिल्डिंग आज भी वैसी की वैसी है। ये गोसवा में बनने वाला पहला पावर स्टेशन है, जहाँ पे बिजली की उत्पाद की जाती थी। और यहाँ पे जो बिजली उत्पाद होता था वो लकड़ियों को जला के किया जाता था। ये पहला पावर स्टेशन है, पावर प्लांट है गोसवा का। आप देख सकते हो मशीनें अभी भी थोड़ी बहुत यहाँ पे पड़ी है, और किस टाइप की मशीनें का प्रयोग किया जाता था उस टाइम। तो दोस्तों आखिरकार हम लोग लोकेशन पे आ चुके हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यही है वो बेकॉन बेंगलोर। आप अच्छी तरह देख लीजिए, पूरा जो बेंगलोर है लकड़ी का बना हुआ है। और इस बंगलों का निर्माण हुआ था सन 1930 में, तब से लेके आज तक ये बेंगलोर जैसा था वैसा ही खड़ा है। इस बेंगलोर का जो निर्माण था हैमिल्टन सर द्वारा कराया गया था। हैमिल्टन सर जो थे वो एक ब्रिटिश थे, और उनके द्वारा इस बेंगलोर का निर्माण कराया गया था। उन्होंने यह बेंगलोर कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के लिए बनवाया था। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को उन्होंने इनवाइट किया था कि वो यहाँ पे आए, तो उनके इनविटेशन के बाद कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर यहाँ पे आए थे। रविंद्रनाथ ठाकुर यहाँ पे आए थे दिसंबर 30 और 31 1930 में, और उसी टाइम ही इस बेंगलोर का निर्माण हुआ था। और यहाँ पे आके वो रुके थे 2 दिन। और इस बेंगलोर को इतनी मजबूती से बनाया गया है कि आज तक इस बेंगलोर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। और ये बेंगलोर स्थित है अपने 24 परगना गोसवा ब्लॉक के अंदर, और आज भी ऐसे ही मौजूद है। और ये टूरिस्ट लोगों के लिए एक देखने की लायक जगह है, और यहाँ पे टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं देखने के लिए इस जगह को, क्योंकि एक अलग ही नज़ारा है इस बंगलो का। और बहुत ही पुराना बेंगलोर है, आप समझ सकते हो 1930 कितना साल हो चुका है इसको, और अभी तक वैसा का वैसा खड़ा है। और इस जगह को अभी एक पार्क के रूप में परिवर्तन कर दिया गया है। और आसपास का व्यू है वो आपको वीडियो में पूरा आगे दिखा रहा हूँ। वीडियो में आप बने रहिएगा साथ में, और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सब लोगों की सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़रूरत है, आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, और मैं इस तरह की नई नई वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूरा एरिया।
आपको सामने दो स्टैचू दिख रहे होंगे, जिसमें से एक स्टैचू रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का है और दूसरा सर हैमिल्टन सर का है। तो दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरा वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आपके भाई को आप सबकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है, और आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी नई नई वीडियो लाता रहूँगा। फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, ज़िंदगी जनाब हमेशा मुस्कुराते रहिए। सी यू सून।